अब हम बात करते हैं अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मुख्य टॉपिक की जो कि आपके सिलेबस में है, और वो है थोक व्यापार। जैसे कि थोक व्यापार की चर्चा मैंने इस चैप्टर के प्रारंभ में भी की है कि थोक व्यापार होता क्या है, तो अब हम इसे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि थोक व्यापार होता क्या है, थोड़े से वृहद रूप में जानेंगे। इसमें क्या होता है, जो थोक व्यापारी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो फुटकर व्यापारी होता है उसके बीच की कड़ी का काम करता है या एक चैनल का काम करता है, उन दोनों को लिंक यानी ज्वाइन करने का काम करता है। अब ये कैसे करता है, अब सिंपल सी बात है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं एज अ उपभोक्ता या कस्टमर, ठीक है, तो आप थोड़ी सी वस्तु को खरीद कर लाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी वस्तु उस व्यापारी तक पहुँचेगी कैसे, क्या वो व्यापारी जो है आपको वो थोड़ी सी वस्तु दे रहा है आपकी आवश्यकता के अनुसार, उसने वो थोड़ी सी वस्तु वो जा करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लाएगा उसके बाद आपको देगा, नहीं। ये पूरी प्रोसेस बच्चों इस प्रकार होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या हम कह सकते हैं जहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उस स्थल से वो जो है बहुत बड़ी मात्रा में इन थोक व्यापारियों के द्वारा खरीद ली जाती है, उनका स्टॉक किया जाता है, उनको बड़े बड़े स्टोरेज में अपने बनाए हुए या उनके खुद के रहते हैं, कभी कभी वो उन्हें क्या कर लेते हैं, लीज पर भी लेते हैं, उन पर उनको सुरक्षित रखा जाता है, और फुटकर विक्रेता को उनकी आवश्यकता के अनुसार विक्रय किया जाता है, और फिर वहाँ से आप एज अ उपभोक्ता अपने आवश्यकता की वस्तुएं आप फुटकर विक्रेता से या फुटकर व्यापारी से खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम थोक व्यापारी की बात कर रहे हैं, जो थोक व्यापारी होता है, जैसे कि एकदम स्पष्ट है, वो कितना बड़ा रिस्क टेकर होता है। सिंपल सी चीज़ है, जब कोई भी वस्तु आप बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोचें कि हमने अपने घर में ही साल भर का गेहूं स्टोर करके रखा है, अब उसको साल भर किस तरीके से सुरक्षित रखें, किस तरीके का उपयोग करें कि वो साल भर चल सके, मतलब ये हम अपने छोटे से घर का एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। अगर हम इसको थोक व्यापारियों के कॉन्सेप्ट में समझें तो ये कितना बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो उत्पाद हमेशा, हम अनाज, दाल, गेहूँ इन सबको नहीं कह सकते कि इन्हीं का ही थोक व्यापार हो सकता है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसे कई लग्जूरियस आइटम्स होते हैं, ऐसे कोई ट्रेंडी चीज़ें होती हैं, मौसमी चीज़ें होती हैं जिनका थोक व्यापार किया जाता है। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है कि वो थोक व्यापारी इतने बड़े उसमें या इतने बड़े स्टॉक में उन सभी चीज़ों को ख़रीदता है और उन सभी चीज़ों को परचेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें तो आजकल जैसे ट्रेंड में है, ठीक है, सिल्वर प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड इयर रिंग्स आजकल अक्सर लड़कियां आप देखेंगे कि पहनते हैं उनको। आप अगर दिल्ली में जाएंगे वहाँ पे उनके बहुत बड़े बड़े थोक व्यापारी, उन्होंने कितनी वैरायटीज़ में उनको इतने खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है, उन्होंने कितना बड़ा स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, लेकिन क्या ये जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं, क्या ये ट्रेंड जो है बहुत दिनों तक चलने वाला है, नहीं। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी, ये मैंने एक उदाहरण लिया था। उसी तरीके हम सीज़न को देखें या मौसमों को देखें तो जैसे मौसमी कपड़े हुए, हम उसकी बात भी कर सकते हैं। कुछ हम इस तरीके से मशीनों को भी ले लें कि आज मशीनें ये उपयोग हो रही हैं, हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, इसे खूब बड़ी मात्रा में नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा हम खाने पीने की, कपड़ों का ट्रेंड ले जो अक्सर बदल जाता है, फैशन हमेशा चेंज होता है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनको लंबे समय तक किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और सुरक्षित रखने के साथ साथ उनके लिए कस्टमर्स ढूंढना, जिनके लिए उनको काफ़ी जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, ताकि वो अपने पास रखे हुए प्रोडक्ट्स को क्या करा सकें, मार्केट तक पहुंचा सकें, थोक व्यापारियों तक पहुंचा सकें।
एक अच्छे रिलेशनशिप या अच्छे टर्म्स बनाना फुटकर व्यापारियों से कि फुटकर व्यापारी उनके पास से वो प्रोडक्ट्स लेके जाएं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक थोक व्यापारी को अपने व्यापार को चलाने से पहले सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि इस व्यापार को करने के समय क्या होता है, उसका एक बहुत बड़ी राशि जो पूंजी हर व्यापार की, हम कह सकते हैं हर व्यापार के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं, या हम कह सकते हैं शरीर में बहने वाले रक्त का कार्य करती है। अगर ये राशि नहीं होगी तो व्यापार करना मुश्किल है। तो जब थोक व्यापारी अपने इतनी बड़ी रकम को फंसाता है तो सोचिए वो कितना सारा रिस्क ले रहा है। तो यही है थोक व्यापार, जिसमें क्या होता है कि एक व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है, उसको स्टोर करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको सुरक्षित रख के उसको मार्केट तक पहुंचाने का रिस्क लेता है, उसके लिए सारे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करता है, और फिर उसके बाद वो कस्टमर तक पहुँचती है। तो इसे हम कहते हैं थोक व्यापार। ये जो थोक व्यापारी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक कड़ी की तरह कार्य करता है उत्पादनकर्ता और फुटकर व्यापारी के लिए। तो हमने थोक व्यापार का अर्थ समझ लिया। अब थोक व्यापार की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। आइए देखें, आपकी स्क्रीन पर एक परिभाषा आपको दिख रही है जो कि दी हुई है सेंस ब्यूरो के द्वारा। उनके अनुसार सभी व्यापारी एजेंट तथा संग्रहकर्ता जो कि एक और उत्पादों तथा दूसरी ओर फुटकर विक्रेताओं अथवा उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं, थोक संस्थान कहलाते हैं। उसी तरह हम मैसन एवं रथ को देखें तो उनके अनुसार जो परिभाषा दूसरी दी गई है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसे कोई व्यक्ति या फर्म जो वस्तुओं को खरीदकर या तो फुटकर विक्रेताओं को जो कि उन्हें उपभोक्ताओं को पुनः बेच देते हैं, अथवा व्यावसायिक फर्मों को बेचता है जो कि उन्हें व्यावसायिक उपयोग में लाते हैं, थोक व्यापारी कहलाते हैं। तो ये दो सिंपल डिफिनेशंस आपने देखी। अगर इसका हम निष्कर्ष निकालें तो थोक व्यापारी क्या होता है, यह एक कड़ी की तरह कार्य करता है किसके किसके बीच, जो है उत्पादनकर्ता और दूसरी चीज़ फुटकर व्यापारी के बीच। ये क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादनकर्ता से माल खरीद करके स्टोर कर लेता है और उसे फुटकर व्यापारी को बेचता है, फुटकर व्यापारी फिर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। अब ये उपभोक्ता कौन हो सकते हैं, या तो आप या हम जैसे लोग भी हो सकते हैं, या व्यावसायिक फर्में भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने थोक व्यापार के कॉन्सेप्ट को जाना है। बच्चों, आपने थोक व्यापार के कॉन्सेप्ट को जाना कि वो क्या कॉन्सेप्ट है और किस बेसिस पे काम करता है, और साथ ही साथ उन्हें परिभाषाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करी। आइए अब उन्हें और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं उनकी कुछ विशेषताओं के माध्यम से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहली विशेषता कि जो थोक व्यापार होता है वो वस्तुओं की बड़ी मात्रा में खरीदता है, यानी थोक व्यापारी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है। बट ऑब्वियस है कि वो थोक व्यापारी है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदेगा, कोई फुटकर व्यापारी की तरह छोटी छोटी मात्रा में तो नहीं खरीदेगा, मतलब कई टन्स में खरीदेगा। दूसरी चीज़, ये कुछ विशेष वस्तुओं में व्यापार करता है, ठीक है, जहाँ उनका नेटवर्क होगा, जिस तरीके का उनका नेटवर्क होगा या जिस तरीके के व्यापार, जिन वस्तुओं में वो व्यापार को ऐसा लगता है कि उनके एरिया में वो व्यापार कर सकते हैं, वो उसी तरीके के वस्तुओं में व्यापार करेंगे। तीसरी चीज़ कि फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, ये क्या करते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं वो अपने उत्पादों को फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, और फिर ये प्रायः क्रय नकद व विक्रय उधार द्वारा करते हैं। मतलब सिंपल अगर भाषा में देखें तो जब भी वस्तुओं को फुटकर व्यापारी क्रय करते हैं तो वो नगद में करते हैं, मतलब क्रय करते समय जो उत्पादन करता है या उत्पादक है उसको वो नगद में पैसे देते हैं, और या उनके साथ नगद में क्रय कर नगद में व्यापार करते हैं। और इसके ठीक विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो फुटकर विक्रेता को सामान विक्रय करते हैं तो उस स्थिति में वो उधार में उनके साथ ट्रेडिंग करते हैं, और कभी कभी नकद में भी करते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और फुटकर व्यापारी पर कि वो फुटकर व्यापारी अभी उस सिचुएशन में उतना अमाउंट देने योग्य है या नहीं। अगली विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये जो होते हैं
ये उत्पादक निर्माता तथा फुटकर व्यापारी उनके बीच क्या होता है, एक कड़ी की तरह चैनल का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोक व्यापारी जो हमेशा है वो उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में एक चैनल की तरह कार्य करेगा। उसी स्टेटमेंट को ये समझा रहे हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है कि इनके पास कई एजेंट और दलाल भी होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो होते हैं व्यापार के लिए अधिक पूंजी की इन्हें आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही मात्रा है, क्योंकि अगर ये थोक व्यापारी हैं और अगर ये थोक व्यापारी हैं तो ये बहुत बड़ी मात्रा में नगद में व्यापार करेंगे, तो नगद के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यही ये पॉइंट आपको समझा रहा है। अगली चीज़ है कि इसमें जो है वस्तुओं का क्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन के आधुनिक तकनीकों का ये इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था कि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू और अलग अलग तरीके से वस्तुओं का क्रय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर माल का स्टॉक जो होता है इनका दुकानों पर ना होकर के गोदामों में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतनी सारी वस्तुएं दुकान में तो आ नहीं सकती, उसके लिए बड़े बड़े गोदामों की आवश्यकता होती है जो इनके खुद के होते हैं, स्वयं के होते हैं कई बार, और कई बार ये लीज पे भी लेते हैं। तो उस बेसिस पे ये माल के जो कुछ नमूने रहते हैं उनको दुकानों में रखते हैं, बाकी जो इनका स्टॉक मेंटेन होता है वो गोदामों में होता है। फिर बात आती है कि ये जो वह माल की खरीदी अग्रिम भुगतान तथा अग्रिम आदेश देकर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे अभी तक हम लोग नगद की बात कर रहे थे तो अग्रिम भुगतान भी वही है कि तुरंत पहले पैसे देते हैं, फिर उसके बाद खरीदी करते हैं उत्पादक से, और या आदेश दे देते हैं कि हमें इतने स्टॉक की आवश्यकता है, इतने टन माल की आवश्यकता है, आप उसको मैन्युफैक्चर करिए, प्रिपेयर करिए और हमें दीजिए। तो इस तरीके का आदेश या अग्रिम भुगतान करके ये उत्पादनकर्ता या निर्माता से अपने आवश्यक वस्तु को खरीदते हैं। फिर बात आती है कि ये वस्तुओं का संग्रह करके मांग व पूर्ति के जो संतुलन है उसको बनाए रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई की जो इक्वेशन है उसको हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि क्या करते हैं कि अपने पास हमेशा स्टॉक बना के रखते हैं, और जब भी फुटकर व्यापारी को उन स्टॉक्स में से कुछ अमाउंट या कुछ माल की आवश्यकता होती है तो वह माल क्या करता है, वह फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से ख़रीदता है, और वो क्योंकि जानता है कस्टमर को कितना और कब उस माल की आवश्यकता है, तो उस बेसिस पे जो थोक व्यापारी है वो फुटकर व्यापारी की मदद करके जो है पूर्ति और मांग के संतुलन को बनाए रखता है। फिर अगला बिंदु कहता है कि इनका जो लाभ का प्रतिशत है वो प्रायः कम होता है, और ये जो होते हैं ये उत्पादक निर्माता तथा फुटकर व्यापारी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करेंगे, क्योंकि उत्पादक या निर्माता से ये जब भी किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो वो नकद में खरीदते हैं, तो नकद में उन्होंने पैसा दे दिया, और ठीक उसके विपरीत क्या करते हैं कि ये फुटकर व्यापारी से उधार में व्यापार करते हैं। तो दोनों ही तरीके से क्या करते हैं, ये इन दोनों ही लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने थोक व्यापारियों की विशेषताओं को जाना। आइए अब देखते हैं कि थोक व्यापारियों के प्रकार क्या हैं। थोक व्यापारी के प्रकार, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला है निर्माता थोक व्यापारी, दूसरा है फुटकर थोक व्यापारी, और तीसरा है साधारण थोक व्यापारी। पहला, जैसे नाम से स्पष्ट है, निर्माता थोक व्यापारी, मतलब ये जो थोक व्यापारी होंगे ये स्वयं निर्माता भी हो सकते हैं और साथ ही साथ वो दूसरे उत्पादों का भी थोक व्यापार कर सकते हैं। मतलब ये एज ए मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता उत्पादक के रूप में कार्य करेंगे और साथ ही साथ दूसरी वस्तुओं का भी क्या करेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे, दूसरी वस्तुओं के लिए भी थोक व्यापार की तरह, व्यापारी की तरह कार्य करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर ये जो वस्तुएं हैं या उत्पाद हैं वो फुटकर व्यापारी तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से हम अगर फुटकर थोक व्यापारी की बात करें तो ये जो व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापारी की तरह भी कार्य करते हैं और फुटकर व्यापारी की तरह भी कार्य करते हैं। मतलब इस प्रकार के व्यापार में जो व्यापारी होते हैं वो फुटकर व्यापारियों को जितना माल चाहिए वो उतना माल उनको देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये थोक व्यापारी की तरह भी कार्य करते हैं और फुटकर व्यापारी की तरह भी कार्य करते हैं। फिर अगला बिंदु आता है साधारण थोक व्यापारी।
ये जो होते हैं ये साधारण होते हैं, मतलब हमने जैसे बताया कि इनका और कोई अलग प्रकार का बिजनेस नहीं। जैसे पहले हमने देखा कि निर्माता भी होते हैं और थोक व्यापारी भी होते हैं, दूसरे में हमने देखा कि ये थोक का व्यापार भी करते हैं, फुटकर का व्यापार भी करते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने उस व्यापारी के पास गई और मुझे मैंने कहा कि मुझे 2 टन गेहूँ चाहिए कि मैं अपने उपभोक्ताओं को बेचूँ, तो मैं एक फुटकर व्यापारी हूँ उस समय और वो उस समय थोक व्यापारी हुआ, तो उसने मुझे दे दिया। लेकिन उसी समय अगर मैं बोलती हूँ मैं उसके पास कि भाई मुझे 50 किलो गेहूँ दे दीजिए मेरे घर के लिए, तो इस समय क्या हुआ, मैं उपभोक्ता हो गई और वो क्या हो गया, फुटकर व्यापारी हो गया। मतलब वो दोनों ही स्थितियों में कार्य कर रहा है एज ए व्यापारी, वो फुटकर व्यापारी भी काम कर रहा है और थोक व्यापारी भी काम कर रहा है। अगर हम तीसरे इसके भेद को देखें तो वो साधारण थोक व्यापारी होता है जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अपनी बहुत बड़ी जो अपनी पूंजी है उसको लगा करके बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादक या निर्माता से वस्तुओं को खरीदो कैश दे करके, नगद दे करके, और उसको बड़े बड़े स्टोरेज में उसको संग्रह करके रखो और समय आने पर उसे फुटकर व्यापारियों को बेचो, और इस तरीके से वो अपना थोक व्यापार आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इस तरीके के थोक व्यापार को देखें तो इसके 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद होता है मिलों के माल की थोक व्यापारी, दूसरा है एक प्रकार की वस्तुओं की थोक व्यापारी, और तीसरा है किसी एक विशेष प्रकार के वस्तुओं की थोक व्यापारी। तो हमने इस प्रकार से थोक व्यापारियों के प्रकार को जाना। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो थोक व्यापारी हैं उनके क्या कार्य हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला कार्य आपको दिख रहा है माल एकत्रित करना। अब आप स्वयं को एक थोक व्यापारी या सिंपल सा व्यापारी ही समझ लीजिए। अगर आपको अपने शॉप में माल एकत्रित करना है तो सबसे बड़ा स्थिति सबसे पहले ये उत्पन्न होती, कौन सा माल, फिर उसके बाद माल डिसाइड हो गया तो ये कहाँ कहाँ से एकत्रित हो सकता है, क्या एक मैन्युफैक्चरर या निर्माता के पास उतना माल मिल पाएगा, या उसे अन्य कई जगहों से या अन्य निर्माताओं से मिलकर के अपने स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही पहला कार्य है माल एकत्रित करना, कि या तो एक निर्माता से या तो अन्य कई निर्माताओं से मिलकर के अपने लिए जिस प्रकार का वो व्यापार चला रहा है उस तरह की वस्तुओं को वो एकत्रित करके रखे या उसको स्टोर करके रखे, संग्रहित करके रखे, तो माल एकत्रित करना। उसी तरह माल का संग्रहण करना, अब एकत्रित हो गया, अब उसको किस तरीके से संग्रहित करके सुरक्षित रखा जाए, बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते हैं उसके लिए, जिस तरीके का माल है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, तापमान उसका कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी रख रखाव कैसा होना चाहिए, उसको कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका संग्रहण किया जाता है, जो कि इसके दूसरे बिंदु के अंतर्गत आता है। तीसरा बिंदु, फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय, ये इनका तीसरा कार्य है कि फुटकर व्यापारियों को जितने माल की आवश्यकता होती है उनको उन्हें वह माल का विक्रय करते हैं समय आने पर। फिर यातायात की समस्या, अब ये क्या करते हैं, इन समस्याओं का भी निवारण करते हैं, क्योंकि अपने स्टोरेज से वो माल फुटकर व्यापारी के शॉप तक कैसे जाएगा, जो परिवहन का साधन और जो खर्च आएगा वो कौन बेयर करेगा, थोक व्यापारी बेयर करेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, यातायात वाला जो समस्या है, उस समस्या को भी सॉल्व कौन करता है, थोक व्यापारी ही इस समस्या का समाधान करता है। फिर है जोखिम उठाना, जो रिस्क टेकिंग की मैंने बात की थी कि बहुत बड़ा रिस्क टेकर है, क्योंकि ये अपनी बहुत बड़ी पूंजी को निवेश करता है उस प्रकार के व्यापार में, साथ ही साथ जिसके पीछे उसने इतना पैसा लगाया है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए किस प्रकार का स्टोरेज हाउस बनाया जाए, जिसे हम वेयर हाउसिंग के नाम से जानते हैं या इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, किस तरीके से बनाया जाए, उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए और किस तरीके से उसको मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए, और वो वस्तु कितने दिनों तक ट्रेंड में रहेगी, कब तक चलेगी नहीं चलेगी, अगर कोई लॉस होता है तो वो किस तरीके से उसका भुगतान करेगी, सारी चीज़ें उस जोखिम के अंदर आती हैं। तो जोखिम उठाना ये भी उनका एक कार्य है कि ये बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं। फिर बात आती है विज्ञापन, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने विशेषताओं में देखा कि अपने पास सुरक्षित वस्तुओं को मार्केट तक पहुंचाने के लिए और कस्टमर्स को या फुटकर व्यापारियों को या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ये आकर्षक
विज्ञापन भी बनाते हैं। इसके बाद आती है बात मूल्य निर्धारण की। जो थोक व्यापारी होते हैं वो उत्पादों के अंतिम मूल्य का निर्धारण करते हैं। और बाजार सर्वेक्षण की बात करें तो ये वे व्यक्ति होते हैं जो समय समय पर बाजार का सर्वेक्षण करते हैं तथा निर्माताओं और उत्पादनकर्ताओं को उनके उत्पादों में किस तरीके के चेंजेस लाना है और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद इनके अन्य कार्य आते हैं। अन्य कार्य के अंतर्गत ये जो होते हैं अपने खुद के विक्रेताओं को साथ ही साथ फुटकर के विक्रेताओं को प्रशिक्षण देते हैं कि वो किस प्रकार का कार्य करें जिससे कि कस्टमर्स आकर्षित हों, है ना, और वो उन वस्तुओं को खरीदें। मतलब सेल्समैन हम कह सकते हैं, सेल्समैन को वो एक प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद और भी दूसरे उनके आवश्यक कार्य हैं, वो ये हैं कि आवश्यकता अनुसार फुटकर व्यापारियों को जो है परामर्श भी देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ये मार्गदर्शन भी देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो थोक व्यापारी होते हैं उनके कुछ कार्य आपने जाने और समझे। बच्चों आपने थोक व्यापार के कॉन्सेप्ट को जाना कि वो क्या कॉन्सेप्ट है और किस बेसिस पे काम करता है। दूसरी चीज़ आपने उनके प्रकार और साथ साथ उनकी विशेषताओं को जाना। आइए अब इनका एक छोटा सा प्रारूप देखते हैं कि किस प्रकार इनका संगठन होता है या थोक व्यापार का संगठन क्या। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो थोक व्यापार है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक बाह्य संगठन एक आंतरिक संगठन। ये होना ही है क्योंकि थोक व्यापार जो है किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा ही मात्र नहीं चलाया जा सकता, है ना, उसके लिए एक प्रॉपर संगठन की आवश्यकता होती है। तो इसे भी दो भागों में विभक्त किया गया है, उसे बाह्य संगठन और आंतरिक संगठन में। जब हम बाह्य संगठन की बात करते हैं तो उसे फिर से अतिरिक्त तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसे स्वामित्व का स्वरूप पहला है, दूसरा है व्यापार का स्थान और तीसरा है पूंजी की मात्रा। हम स्वामित्व के स्वरूप में बात करें तो यहाँ पर जो बात आती है कि इस संगठन के स्वरूप में स्वामित्व किस प्रकार का हो, एकल स्वामित्व हो, ठीक है, या साझेदारी हो, या कंपनी का निर्माण किया जाए। इस तरह के निर्णय इस बाह्य संगठन के पहले भाग यानी स्वामित्व के स्वरूप में लिए जाते हैं। दूसरी बात आती है व्यापार का स्थान। देखिए व्यापार का स्थान जो है वैसे एक बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे विशेष स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि व्यापार करते समय बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि यातायात के साधन, ठीक है, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा, ऐसी प्लांट्स जो हैं या थोक व्यापारी जो हैं ऐसे कौन से स्थलों से या प्लांट से या निर्माणकर्ता या निर्माता के पास से कितनी आसानी से उन वस्तुओं को अपने गोदामों में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोचने की होती है। तो यहाँ पर जो व्यापार का स्थान है दूसरा मुद्दा इसका जो बाह्य संगठन के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा आप जो बिंदु देख रहे हैं पूंजी की मात्रा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए, क्योंकि जो पूंजी होती है किसी भी व्यापार में एक रक्त की तरह प्रवाहित होती है और उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि किसी भी मानव के शरीर में रक्त बहुत आवश्यक है कि आवश्यकता कहाँ पर है, कितनी है और कितना होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। उसी प्रकार व्यापार के आकार और प्रकार को देखते हुए वहाँ पूंजी की कितनी आवश्यकता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर जब हम थोक व्यापार की बात कर रहे हैं, हमने थोक व्यापार के कॉन्सेप्ट को जाना है, तो हम ये देखते हैं कि जो थोक व्यापार है उसमें एक अच्छी खासी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ से एकत्रित की जाएगी, किस तरीके से व्यापार चला जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें इस पूंजी की मात्रा वाले बिंदु के अंतर्गत आती है। तो हमने इस तरीके से बाह्य संगठन को जान लिया। आइए अब हम थोक व्यापार के आंतरिक संगठन की ओर चलते हैं। जब हम आंतरिक संगठन की बात करते हैं तो हमने जब बाह्य संगठन के स्वामित्व के स्वरूप को जान लिया, साथ ही साथ व्यापार के स्थान पर चर्चा कर ली और उसके बाद पूंजी की मात्रा पर चर्चा कर ली, उसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि
एक थोक व्यापारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य करती। अब चूंकि एक संगठन की तरह कार्य कर रहा है, तो अगर आप सिंपल सोचिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है तो उसके क्लरिकल या हम सोचते हैं कि आंतरिक भाग किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। आंतरिक भागों को देखिए बच्चे, दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला विभाग जो होता है कार्यकारी विभाग होता है, दूसरा विभाग जो होता है प्रशासनिक विभाग होता है। कार्यकारी विभाग के अंतर्गत क्रय विभाग, विक्रय विभाग, भंडारण, डिस्पैच, विज्ञापन एवं प्रचार जैसी चीज़ें आती हैं, और इनके कार्य क्या हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर और प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग, साथ ही साथ वित्त विभाग, फिर लेखा विभाग, पत्राचार विभाग, अभिलेखन विभाग, अन्य विभाग साथ नियंत्रण अनुसंधान एवं सांख्यिकी जैसे विभागों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि थोक व्यापारी का संगठन क्या है। जैसे कि आपने जाना कि थोक व्यापारी के संगठन को दो भागों में बांटा गया है, ये बाह्य संगठन और आंतरिक संगठन में विभक्त होकर के अपने कार्यों को अलग अलग रूप से विभक्त करते हैं और उस तरीके से ये कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि थोक जो व्यापार है या थोक व्यापारी हैं उनकी क्या सेवाएं हैं। जैसे कि हमने अभी तक जाना है, जब हम थोक व्यापार के कॉन्सेप्ट या उसकी अवधारणा को समझ रहे थे, कि थोक व्यापारी जो होता है निर्माता या उत्पादक, और दूसरी तरफ क्या है फुटकर व्यापारी, इन दोनों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। मतलब ये जो है इन दोनों को, किसको किसको, निर्माता को या उत्पादक को तथा फुटकर व्यापारी को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, दोनों को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि थोक व्यापार की जो सीमाएं हम देख रहे थे उसे तीन भागों में व्यक्त किया जाता है। जब हम देखते हैं कि तीन जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है जो थोक व्यापारी की पहली सेवा है वो किसके प्रति होगी, वो जो है पहली निर्माता के प्रति होगी, फिर जो होगी वो फुटकर विक्रेता के प्रति होगी, और उसके बाद होगी समाज के प्रति। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक थोक व्यापारी सबसे पहले अपनी सेवा देता है निर्माता के प्रति। जब हम निर्माता के प्रति सेवाओं की बात करते हैं तो कुछ सेवाएं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं वो इस प्रकार है, जिसकी चर्चा अब हम आपके साथ करेंगे। पहला बिंदु आपको दिख रहा है बिक्री का प्रबंध करना। अब निर्माता क्या करता है, निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर है ना, ये क्या करता है प्रोडक्शन करता है। ये क्या करेगा, बहुत सारा माल उत्पादित करेगा, ठीक है। लेकिन थोक व्यापारी का कॉन्सेप्ट समझ कर चल रहे हैं उसके अनुसार ये जो कार्य करता है वो थोक व्यापारी बहुत आसानी से करता है। इस वजह से जो है निर्माता को इस प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि इतना, चूंकि माल का उत्पादन हो चुका है तो उसका बिक्री कैसे पॉसिबल है। ये चीज़, ये काम कौन करेगा, एक थोक व्यापारी करेगा। थोक व्यापारी क्या करेगा कि निर्माता के पास से लॉट के लॉट माल को क्या कर लेगा, खरीद लेगा, और इसके बाद उसकी बिक्री कैसे की जाए वो उसके एंड पर वो खुद करेगा। यानी ये उसका प्रॉब्लम है। अब ये किसका प्रॉब्लम नहीं है, ये उत्पादनकर्ता या निर्माता का प्रॉब्लम नहीं है या उसकी समस्या नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली सेवा है निर्माता के प्रति वो ये देता है कि बिक्री के प्रबंध को देखता है या बिक्री का प्रबंध करता है कि उत्पादित माल की बिक्री किस प्रकार की जाए। दूसरा बिंदु हम देख रहे हैं उधार जोखिम में कमी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो थोक व्यापारी होता है वो हमेशा माल कैसे खरीदता है, नगद में खरीदता है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, उधार जोखिम में अपने आप कमी हो गई। लेकिन यही अगर उल्टा होता, निर्माता से अगर माल फुटकर व्यापारी खरीदते तो क्या वो जो है नगद राशि में पेमेंट कर पाते, नहीं, ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी। तो इस स्थिति में क्या आ जाता, उधार जोखिम में कमी हो जाती। तो यहाँ ये दूसरी प्रकार से थोक व्यापारी जो है वो निर्माता को सेवा दे रहा है कि वो उधार जोखिम में उनके कमी करता है, क्योंकि वो हमेशा जो भी ट्रेडिंग करता है या जो भी व्यापार करता है वो नकद में करता है, यानी कैश में करता है। तीसरा बिंदु जो आप देख रहे हैं वो है कम स्टॉक, ठीक है। कम स्टॉक कैसे होगा, अब निर्माता के पास कम स्टॉक कैसे होगा, क्योंकि
ज्यादा से ज्यादा स्टॉक तो थोक व्यापारी अपने साथ ले जाते हैं और अपने गोदामों में उसे सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पर जो है निर्माता की जो समस्या उत्पन्न होती है स्टॉक मेंटेन करने की, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये तीसरा बिंदु, ये जो तीसरा सेवा थी वो थोक व्यापारी के द्वारा एक निर्माता को दी जाने वाली सेवा थी। चौथी सेवा की ओर बढ़ते हैं, वो है विपणन व्ययों में कमी। अब क्योंकि निर्माता से माल कहाँ पहुँच गया है, ये जो है थोक व्यापारी के गोदामों में पहुँच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब विपणन जो खर्च है या विपणन व्यय है, मतलब उनकी मार्केटिंग, उनको सेल करना है तो सबसे पहले उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बिक्री से पहले उनका विपणन करना जरूरी है ना। तो इसके लिए ये एक्टिविटीज या ये क्रियाएं कौन करेगा, ये क्रियाएं जो हैं वो सबसे पहले थोक व्यापारी करेगा या वही करेगा हम कह सकते हैं। इसमें निर्माता को बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं, अगर वो चाहे तो कर सकता है, नहीं तो ये कार्य भी कौन करेगा, एक थोक व्यापारी करेगा। तो इस तरीके से ये चौथी सेवा भी वो निर्माता को देता है। पांचवी सेवा, बाजार सूचनाएं प्रदान करना। जैसे कि हमने अभी तक ये कॉन्सेप्ट जाना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोगों की पसंद क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है और व्यावसायिक वातावरण में किस प्रकार की चेंजेस आ रहे हैं, अब जो उत्पाद बन रहा है उसमें किस तरीके के चेंजेस लाने की आवश्यकता है, ये सारी सूचनाएं बाजार की ये कौन देता है निर्माता को, ये देता है थोक व्यापारी। यहाँ पर जो थोक व्यापारी है वो निर्माता की इस तरीके से मदद करता है। तो निर्माता को अपने रिसर्च टीम बिठाने की या मार्केट एनालिसिस टीम एक्स्ट्रा बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मार्केट एनालिसिस टीम का काम क्या होता है, यही कार्य कि बाजार की सूचनाओं को एकत्रित करना, मार्केट को एनालाइज करना, है ना। मार्केट यानी बाजार, एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना, कि मार्केट का विश्लेषण करना कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, समय के साथ उनकी आवश्यकताओं में क्या परिवर्तन आया है, उनको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, ये सारी एनालिसिस के अंतर्गत आता है या विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जो पांचवा, हमने पांचवी सेवा देखी कि थोक व्यापारी निर्माता को देता है। जो अगली सेवा है वो है बड़ी मात्रा में उत्पादन में सहायक। अगर फॉर एग्जाम्पल थोक व्यापारी जो है, अगर निर्माता के पास से जो स्टॉक ऑलरेडी रेडी हो चुका है या उत्पाद बन चुका है हम कह सकते हैं, उसको वहाँ से न ले जाए, ठीक है, तो क्या फिर निर्माता और वस्तु का उत्पादन करेगा, नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना स्टॉक है जो पहले से बिका नहीं है, तो वो निर्माण कार्य को वहीं क्या कर देगा, रोक देगा। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्थिति में थोड़ी सी समस्या आएगी, क्यों, क्योंकि बाजार तक माल पहुँच नहीं पा रहा है और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई में, मतलब आवश्यकता और वितरण जो हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है, सही से उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, कस्टमर तक उत्पाद पहुँच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा व्यापार अपने आप रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले करता है एक थोक व्यापारी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो निर्माता से या मैन्युफैक्चरर से एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है उत्पादों को खरीद कर, वो भी कैश में, नगद में, वो अपने स्टोरेज में या भंडार गृह में एकत्रित करके रखता है, वहीं अपना विपणन कार्य करता है, उसकी बिक्री का कार्य करता है, जिससे क्या होता है उसका स्टॉक कम हो जाता है, ठीक है, किसका, निर्माता का, और वो क्या करता है फिर से अपना जो उत्पादन कार्य है वो कंटिन्यूस रखता है, मतलब वो चलते रहता है, उसका उत्पादन कार्य रुकता नहीं, जिससे क्या होता है बड़ी मात्रा में ये उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगली सेवा की ओर। अगली सेवा कहता है कीमत निर्धारणों में सहायक। जैसे कि अभी तक हम जानते आए हैं कि जो थोक व्यापारी होते हैं वो ही वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में सहायक होते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि जब वस्तुओं का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो प्रत्येक वस्तु की कीमत अगर निकाले तो वो कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट तक पहुँचाना और मार्केट में किस रेट से बेचना ताकि जो प्रॉफिट है या लाभ है उसको अर्न किया जाए या उसको अर्जित किया जाए, ये सारे कैलकुलेशंस
के लिए उनके कीमतों का निर्धारण करना पड़ता है। तो वस्तुओं के जो कीमतों का निर्धारण होगा वो किनके द्वारा किया जाता है, इन थोक बाजारियों के द्वारा या थोक व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये कीमतों के निर्धारण में सहायता करते हैं। अगली सेवा की ओर बढ़ते हैं। अगली सेवा कहती है वित्तीय सहायता करना। अब ये निर्माता को क्या बता सकते हैं किस प्रकार की वित्तीय सहायता करता है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में जब निर्माता से जो है उत्पादों को खरीदता है तो वो खरीदी के समय किस तरीके से खरीदी करता है, कैश में या नगद में करता है। तो जिससे क्या होता है कि कैश का फ्लो हमेशा बना रहता है, निर्माता के पास पैसों की कमी नहीं होती, जिससे वो और रॉ मटेरियल खरीद सकता है और अपने निर्माण कार्य को कंटिन्यूस कर सकता है। मतलब वो हमेशा चालू रख सकता है, वित्त की कमी की वजह से कभी भी उसे अपने जो है निर्माण कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर वित्तीय सहायता वाली सेवा भी कौन करता है, एक थोक व्यापारी ही करता है। आगे अगली सेवा की ओर बढ़ते हैं, निर्माता के प्रति थोक व्यापारी की। अगली जो सेवा है वो है कच्चे माल की सुविधा। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी थोक व्यापारी क्या करते हैं, निर्माता को सुविधा देने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह से जो रिक्वायर्ड है या जिस तरीके के कच्चे माल की आवश्यकता है वो एकत्रित करते हैं और निर्माता को वह उचित मूल्यों पर या उचित दामों पर उसको विक्रय करते हैं, जिससे कि जो उत्पादित आउटपुट है या फाइनल गुड है, हम कह सकते हैं अंतिम उत्पाद है, वो उसे पुनः खरीद करके क्या कर सकें, उसको मार्केट में ला सकें, वो भी कम कीमतों पर, या उसे थोड़ा लाभ अर्जन कर सकें और सोसाइटी की सेवा कर सकें, जो कि समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व या उनकी सेवा है, उसमें आगे जानेंगे। फिर बात आती है वितरण सुविधाएं। यहाँ पर भी निर्माता की समस्या नहीं है, ये पूरी जिम्मेदारी जो है एक थोक व्यापारी के द्वारा ले ली जाती है कि किस तरीके से ये उत्पादित माल है उसको कस्टमर तक पहुँचाया जाएगा, किस तरीके से जो है कौन से चैनल्स का यूज़ करके या कौन से तरीकों का यूज़ करके इन वस्तुओं का वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वितरण सुविधाएं हैं वो भी है, एक थोक व्यापारी के द्वारा इन समस्याओं को सुलझाया जाता है। और अंतिम जो सेवा है वो जो निर्माता के लिए थोक व्यापारी देता है वो है वस्तुओं का विज्ञापन। वस्तुओं का उत्पादन कार्य हो गया है लेकिन अगर उसका विज्ञापन नहीं होगा, लोगों तक उनकी जानकारी नहीं पहुँचेगी, तो क्या वो उत्पाद मार्केट में बिकेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है या बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसे भी कौन करता है, इसे भी एक थोक व्यापारी करता है, वस्तुओं का विज्ञापन करता है। वो वस्तुओं को अपने एंड पर उनको जो सोसाइटी है या कस्टमर तक किस तरीके से आकर्षक रूप में पहुंचाया जा सके, ताकि कस्टमर उनसे या उपभोक्ता उनसे आकर्षित हो और उन वस्तुओं को खरीदें, ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग विज्ञापन करते हैं। तो इस तरीके के जो काम है या वस्तुओं का विज्ञापन करने का कार्य भी कौन करता है, एक थोक व्यापारी करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि थोक व्यापारी की जो सेवाएं हैं वो निर्माता के प्रति कैसी हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फुटकर विक्रेता के प्रति इनकी सेवाएँ किस प्रकार हैं।